अस्सलाम वालेकुम, तो जी वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। आज का दिन यहीं से शुरू करते हैं। ये अभी होने वाला है इफ्तारी का टाइम। अभी हमारा ये सीन है कि मैं जा रही हूँ बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ इफ्तार करने। आज यार हम लोग जैसे चल रहा था ना, हम लोगों का वैसे ही सीन था कि हम लोग बाहर जाएंगे और गार्डन में इफ्तार करेंगे, जहाँ पे हम शूट करते तो वहीं पे करेंगे। तो ये सारा जो है अलीशा का प्लान था, तो इसीलिए बस मैं अभी रेडी हो रही हूँ। तो मैंने सोचा पहले जो है अपना व्लॉग भी शुरू कर दूँ, इससे पहले लेट हो जाए आप लोग को अपडेट दूँ। तो ड्रेस जो है फुल डिटेल मैं आप लोग को बाद में दिखाती हूँ, और अलीशा वाले अभी तक पहुँचे नहीं, वो पहुँच जाएँ तो फिर बाद में मैं निकलती हूँ। बाकी मैंने मिनिमल सा लुक किया जिस तरह से मैं करती हूँ, फटाफट वाला। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो जी ये देखिए, मैं फुल हो चुकी हूँ रेडी, और ये है मेरा आउटफिट आज का। यार ये बड़ा प्यारा लग रहा है आजकल, मुझे ना ग्रीन कलर बहुत प्यारे लगते हैं। आप लोगों को हिंट देती, मेरे ईद का ड्रेस जो है वो भी ग्रीन है, ग्रीन और काइंड ऑफ, और जिसका जो है रेड है, तो दोनों मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। उनमें से सोचूंगी क्या पहनूंगी, वाली हिंट है। बाकी ये देखिए मेरे कर्ल्स अब तक हैं, ये फुल आउटफिट डिटेल। तो अब बस बैग उठाती हूँ और चलते हैं, क्योंकि मैं कल ही जा रही हूँ, इसीलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं। मुझे सामान वगैरह भी लेना है, फिर वहाँ पे टाइम पे पहुँचना है। तो बस जैसे जा रही हूँ, बंदे ये सामान अंदर रखो और फिर। तो जी आ गई मैं यहाँ, यहाँ पे मैंने अपना सामान रखा है। जब तक मेरा सामान पड़ा रहे, ये वो है जो मुझे किसी को करवाना है, ठीक है, इसको यहाँ पे रख देती हूँ। और ये मैं लाई हूँ, अब जाके देखती हूँ बाकी सारे किधर है। इन्होंने बोला था मुझसे पहले आ जाएंगे, मैं लेट होती, पर ये मुझे लगता है आज ये सारे लेट हैं। वहाँ पे ये रहा हो रहा है अलीशा का शूट, अलीशा की नॉन स्टॉप मेहनत। मैं से करूँ उसको कॉल कर कराती पूछूँ वो किधर है, क्योंकि अभी तक वो लगती नहीं आए। यार यहाँ पे इतना अच्छा मौसम, और इतना अच्छा मौसम है, मैं सोची सारी नफ्तारी जमें यहीं पे करनी चाहिए। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा वेदर हो रहा है, एंड यहाँ पे हम करेंगे। वैसे भी अभी वो आज है, रात होने वाली है, पता नहीं किधर की। मैं जाकर उनको कॉल करती हूँ, ना सना ये ना महम आई, मैं और अलीशा का तो शूट है, अलीशा पहले से आई है, और मैं महम, मैं और अलीशा, मैं सबसे पहले आ गई। भाई मुझे थोड़ा लेट आना चाहिए था, जाके देखती हूँ वो सारे किधर हैं और फिर उन्हें कॉल करके बुलाती हूँ जल्दी से। चलो भाई, हम लोगों ने यहाँ पे चादर बिछाई है, अब जो है सारा सेटअप यहाँ पे हो। तो गाइस अभी हो रही है हमारी इफ्तार शुरू, एंड ये मैडम अभी आई हैं, गोलगप्पे भी आए हैं, एंड अभी अजाने हो गई हैं, सारे अभी पहुँचे हैं। मैं तो पहले आई थी फिर भी, तो अभी सबसे पहले इफ्तार करते हैं, रोज़ इफ्तार करके उसके बाद जो है सारी एक्टिंग वगैरह वीडियो। ये क्या हो गया, जिस चीज़ का डर था वो ही हुआ। इसकी पिक्चर तो ले लेते पहले। आपको टैग के लिए कहा था मैंने, बोल हमने स्टोरीज पे कर दिया ना, कोई मसला नहीं। तुम ना जो लिखने वाला होगा ना टैग पे, इसके ऊपर लगा दे, इसको लिटा दो, तुम्हारी भाई चादर गंदी हो गई, बस इसको वरना साफ करके यहाँ इस तरह से रख। होता रहता है, कोई बात नहीं, इस तरह से बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अफ्तार हम कर चुके हैं, अब लो बच्चों शुरू कर, हो गया मेरे यहाँ पे फ्लैश देने का काम था बस। हाँ। मैं पिक्चर्स ये ले रही हूँ। तुम फ्लैश के लिए आई हो बस? यस, बस फ्लैश देने के लिए आई हूँ। यार एक दो मशाली हमारी काकीज के कैमरा में तो फिर भी अच्छा है, नहीं वीडियो क्लिप बस मुझे रियल जोड़ के बनाना। इफ्तार विद माय गर्ल्स वाली, ये वाला आना चाहिए रमजान वाला। गाइस ये अजान अभी हो रही है और हम लोग 5 मिनट पहले इफ्तार कर चुके, तो हम लोगों ने कौन सी अजान पे इफ्तारी की? हमने सही अजान पे इफ्तारी की। तो ये अभी जो आ रही है ये वाली सही है ना? सही है, वो भी सही है, सही। ये खा रही है जाने लगे, अभी आई है और हम लोग 5 मिनट पहले इफ्तार कर चुके हैं और अभी हम पिक्चर्स ले रहे थे। ये पिज्जा इसमें निकाला है, अब सही आ रहा है। नहीं तुम खाओ, तुम पहले पियो। नो आई वांट समथिंग, माँ मुझे भी ये देना सैंडविच। किसकी? थैंक यू।
भाई लाइक दिस वन, पहले मुझे किसने पता था वो बहुत मजेदार था। अब सब छोड़ो भाई, चाय पियेंगे हम लोग। अगर हम अगर मेरे पे मैं चाय पीऊंगी, आपको लगता है आप भी चाय नहीं पियोगी? मैं नहीं पीती ना चाय, पकड़ लूंगी। यार कौन कौन नहीं पीता है चाय? क्यों भाई, चलो तुम्हारे इससे का मैं पी लूंगी, ठीक है? डन डन, आई वुड लाइक टू। ठीक ठीक, पहले पीती थी पर पहले मवाली। यार अफ्तार के बाद हमें चाय के कप चाहिए, कप पूरा देगड़ा भी चलेगा, देगड़ा भी चलेगा। एक शरबत का ग्लास रखना। ओके, क्यों वीडियो बनानी है? ओके, बना रहे चाय का चीयर्स। तो गाइस अभी हो चुकी है हमारी अफ्तार, चाय भी अभी इसने मंगा ली सिर्फ मेरे लिए। यार थैंक यू अरीशा, वैसे तुम थोड़ी देर बाद मंगाती हो मम्मा के लिए मिश्री। अभी सारा सामान लेकर हम लोग अंदर हैं। ओके, कौन सी वीडियो बनानी है यार? वो क्या नाम है वो, देखिए वो जो एक, हाँ तो हम लोग चाय लेंगे, तुम चलो। हाँ सही है, डन। अब चलो अपनी अपनी पोटली पकड़े हैं, चले। अब मैं आप लोगों को अंदर मिलूंगी। ये सारा सामान आप लोग, चलो हम अंदर चलते। यार वैसे मजा आया पर ये लोग बड़ा लेट टाइम, थोड़ा टाइम पे आती ना ज्यादा मजा आता। भाई सारा इसी साइड रख लो, हमारी चाय बस आगे रखो, ये हटाओ उन्हें, ये हटा पाओगे इसको, हटा के साइड पे रखो। हाँ यहाँ पे चेयर पे रखो। मेरी जान ये चाय उठा के दो, मेरी आंखें यूं यूं चाय पे जा रही हैं। मेरी आंखें बंद हो रही है, चाय पीने ना आंखें खुलेंगी, एनर्जी आएगी। इससे पहले हमारी चाय ठीक है, ट्राई करो। भाई तो हमारी इफ्तारी इख्तिताम पे पहुंची, लेकिन मैं अभी भी केक खा रही हूं। अभी भी ये केक खा रही हूँ, इतना अच्छा लगा। और मैम आप क्या कर रही हैं? यार मैं लोगों के देखती हूं मैसेजेस बनाना। अब नींद आ रही है, अब ना हमने पेट भर के खाया ना, इसीलिए फीका भी खा लिया, सब कुछ तो खा लिया। बस हम पैकिंग करने जा रहे हैं, सामान वामान रखते हैं। फाइनली इफ्तार, और जा रहे हैं लास्ट में कुछ कुछ करके। ये कौन है जिसने चाय नहीं पी? ये अनोखी आप हैं, ये अनोखी आप हमारा दुश्मन है फिर। आप चाय नहीं पीता, आप अगर एक एक करके खा लो यार, खत्म करो एक एक, बस इतना दूर से लाइयो। मैंने बहुत सारे खाए, मेरा भी पेट भरा पड़ा है। मां चने की दे दे, ये हम लोगों ने देखे कितनी खिच मचाई हुई है यहाँ पे। वापिस घर ये सारे हमेशा। बाय बाय, सलमान भी गई उसके बाद बहुत शदीद रोश है। भाई यहाँ पे तेल लेने चीज़ें सारी, अब से मेरा कपड़े ना खराब हो जाए, भी सारा काम ले लिया, अब जा रही घर। आ गई जी घर, कपड़े भी लेकर आई, सब कुछ लेकर आई। तो भाई अब मैं घर आ चुकी, शदीद थक हार के। अभी जो मैं अपना चेंज चेंज करती, बड़ी गर्मी थी बाहर यार, मुझे जो है फिर जाना पड़ा पीको के लिए दुपट्टे वगैरह देने और टेलर को देने, कुछ टेलर ने कही थी बेल दुपट्टे की वो देने। फिर उसके बाद मैं गई हूँ भाई एप्लिंग करवाने। तो आज जो है मैंने सारा काम अकेले किया, आज मुझे ये बड़े फील हो रहा था कि हाँ भाई कि मैं भी ना कर सकती हूँ। कल मैंने सारे अपने काम अकेले के लिए किए, सब हो गए। और इसके बाद टेलर को कपड़े भी दे दिए, अब देखती हूँ सुबह तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे कपड़े मिलेंगे, फिर आपको दिखाती हूँ मेरा ईद का ड्रेस किस तरह से और कैसा बना है। होप सो अच्छा बनाओ यार, और आंटी से भी पूछूँ
एंड इसके अलावा आज बड़ा मज़ा आया, मैं इतना व्लॉग नहीं बना पाई। मैंने कोशिश की जबकि बहुत कि मैं पूरा जो है कंप्लीट व्लॉग बनाऊं, पर इतना नहीं बना पाई क्योंकि यार हम बातें शातें कर रहे थे, हम बहुत अरसे बाद मिलते हैं ना, इसीलिए टाइम भी कम था क्योंकि वो लोग थोड़ा लेट आए थे। भाई मेरे आज बाल ना मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो वेल दैट्स ऑल अबाउट इट। अभी जो है मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ यार, शदीद वाला थक गई हूँ, फिर उसके बाद उठती हूँ, फिर वीडियो बनानी है, ईद की ईद ट्यूटोरियल बनाना था आप लोगों के लिए, फिर उसके बाद जो है बाकी के सारे काम करेंगे। फिर मिलती हूँ और चाय भी पीऊँ। रचना के लिए मैं केक भी लाई थी, उसे वो भी दूँ और फिर मिलती हूँ, बस अब तक यही। तो भाई इसको बंद करो फैन को, अब इतनी शदीद गर्मी आ गई यहाँ पे भी। अब देखती बाहर अम्मी क्या कर रही हैं, सामान वामान नहीं समेटा, वैसे आम ना होती, मैंने सारा सामान समेट के रख देती है। इस बार रचना अपना नहीं समेटती, मेरा क्या समेटेगी भाई। और मैं सोच रही मैं चेंज भी कर लूँ, मुझे थोड़ी गर्मी भी लग रही है। तो गाइज अभी आ चुकी है हमारी चाय, और ये चाय बनाई है हमारी अम्मी ने, ऐसे रोशू ने मुझे नहीं पिलाई। और यहाँ पे हो रहा मेरा इमरजेंसी वाला स्टिचिंग ड्रेस का। चलिए जी, जब सेरी का टाइम हो रहा हो चुका है, आई मैं सेरी बना रही हूँ। मैंने सोचा थोड़ा बहुत ब्लाउज भी बना लूँ, भूख जाती हूँ अक्सर, तो आज बना रही हूँ अंडा पुना, क्योंकि अम्मी की शर्मा थी रचना की, तो मैंने बोला अंडा की मैं बनाती हूँ, साथ में अगर टाइम हुआ तो चाय भी बना लूँगी, अदरवाइज बस यही काफ़ी है। और कल का ये सीन है कि कल मुझे सबसे पहले टेलर के पास जाना है मेरे कपड़े लेने यार। तो ये फाइनली मेरा बन चुका है अंडा कीमा कुछ इस तरह से। अब जाकर मम्मी को बना बताती हूँ, और ताकि मेरी रोटी उसके लिए बनाए, और उसके बाद सोच रही हूँ चाय रख दूँ। वैसे टाइम तो है पर यहाँ देखती हूँ चाय पीती हूँ यहाँ पर कुछ। और ये भी बताओ ना, मेरी मेहनत नहीं बताती, क्या कह रही हो? तुमने सिर्फ तुम गिर गई, तुमने सिर्फ अम्मी को बलवाया था, ये वाला बलवाया तो वही बड़ा मुश्किल होता है, अगर मैं जला के देती तो खाती तुम। चलो कोई बात नहीं गाइस, इसने रचना ने करवाई ठीक है, और बाकी अम्मी ने। तो अब करती हूँ मैं सेरी, उसके बाद मिलती। तो जी अजन आ चुकी है, अब नमाज पढ़ती हूँ, और उसके बाद आज जो है मेरे बहुत सारे पेंडिंग काम है, ज्वाइनिंग करूँगी क्योंकि स्ट्रेटनिंग वगैरह की थी बालों में, कर्ल्स वगैरह किए थे, इसीलिए तो उसके लिए अभी ये कर लूँ, फिर वो बताती हूँ। ऑयलिंग शॉलिंग कर लिए, अभी मैं जा रही हूँ सोने, और ये देखिए मेरा पूरा रूम बिखरा पड़ा है यूं कपड़ों से बस। अब बाकी टेलर के पास आए, और ये जो है एक फाइनल है वो देना है टेलर को, फिर उसके बाद हो जाएगा मेरा फाइनल, फिर पता चलेगा किस तरह से सीए किस तरह से नहीं, वो कल पता चलेगा टेलर जब मुझे देगा। होप सो, होप फॉर द बेस्ट। अभी मैं सोने जा रही हूँ, और ये ब्लॉग भी जो है, और हाँ मैंने ऑयलिंग भी की है, देखो हेयर केयर भी की है कुछ भी, यार हेयर केयर ज़रूरी है। तभी मैं सो रही हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से कल निवलों के साथ, तब तक के प्रकार रखे खुश रहें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा।